ये मंदिर है, एक वो मंदिर है। ले लिया फोटो, ले लिया। मिट्टी का घर है एकदम, बिल्कुल लग रहा है कि गांव है ये। फोटो भी ले रहे हैं ना, उनकी खाना पको रसोई है ये, समझ लीजिए। हाँ। ये वहाँ पुराने जमाने की रसोई। तो भाई लोग, अब हम लोग जा रहे हैं छपिया मंदिर, जो अयोध्या से लगभग 40 किलोमीटर दूर है और गोंडा जिले में पड़ता है। तो काफ़ी अच्छा मंदिर है, काफ़ी इसके बारे में सुना है। और यहाँ सारा पूरा अयोध्या तो घूम चुके हैं भाई लोग, पूरा एक एक मंदिर। और अब डायरेक्ट वहीं चलते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है और लखनऊ भी निकलना है, और शाम होने से पहले वहाँ पर दर्शन करना है और ब्लॉग बनाना है। तो चलते हैं भाई लोग छपिया मंदिर और देखते हैं भाई लोग। चलते हैं अंदर और पीछे का व्यू ये देखिए, ये जो बादल देख रहे हैं ये सब कितने अच्छे लग रहे हैं, बढ़िया मस्त एकदम जगह। गाइस हम लोग छबिया मंदिर आ गए हैं और 21 भगवान का ये अंदर जाके पता चलेगा कभी जा रहा है। तो ये है, अच्छा लग रहा है, लेकिन अंदर चलते हैं। ये देखिए बाहर का व्यू, ये बाहर का द्वार है। ये बाहर का द्वार है, बाहर का गेट है। ये देखिए अंदर है, अंदर काफी प्रसाद वगैरह और धर्मशाला वगैरह सब कुछ है। कमेंट ना करें कृपया करके, आदर्श का मूड खराब हो गया है क्योंकि बस्ती में ले आया ये बंदा। ये देखिए मंदिर काफी सुंदर लग रहा है वैसे, अंदर से देखते हैं क्या हाल है। तो यहाँ पे स्लीपर्स वगैरह उतार देंगे हम लोग, हाँ उतारो। ये देखिए लिखी हुई है। और ये राधा कृष्ण की मूर्ति, राधा कृष्ण की मूर्ति है और भी साइड में भगवान है। ये देखिए, ये देखिए महाराज के माता पिता, महाराज के माता पिता, महाराज के माता पिता बलदेव जी हैं। ये देखिए, ये बलदेव जी थे, हरि कृष्ण बलदेव जी, और ये हैं इनके माता पिता। वो हमने दिखा दिया है और चलते हैं। पीछे भी एक मंदिर बना हुआ है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये भी दिखाते हैं, ये भी अच्छा बना हुआ है। यहाँ से घूम के चलेंगे पीछे से इधर से, तो आपको थोड़ा सा और इधर बचा हुआ वो भी दिखा के उसके बाद में पीछे वाले मंदिर से चलेंगे। चलिए पीछे का व्यू आपको दिखाते हैं। ये देखिए आकृति एकदम बिल्कुल बढ़िया से बनी हुई है। ये देखिए आकृतियाँ कितनी अच्छी बनी हुई हैं। हम बस्ती आए भैया,
ये देखिए एकदम पुराने टाइप का मंदिर बना हुआ है, बिल्कुल सुंदर लग रहा है। पुराने जमाने का ही मंदिर ये बना हुआ है, ये आज का नहीं मंदिर है, बहुत पुराने जमाने का ही मंदिर है, लेकिन हम लोगों को मालूम नहीं पक्का मंदिर है, अगर मालूम होता तो आप हम लोग बताते हैं। देखिए वृक्ष वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे, यहाँ पे रुकने की व्यवस्था भी है क्योंकि आश्रम वगैरह भी बने हुए हैं, और ये काफ़ी भव्य मंदिर है। ये देखिए यहाँ से ये आगे का है, पीछे का वो सामने रहा, वो आगे से आपको दिखाएंगे, ये सामने ये पीछे का है। ये यहाँ पे टूरिस्ट लोग भी आते हैं, ये देखिए बसें खड़ी हुई हैं, बाकी बाहर से लोग भी आते हैं। मौसम देखिए है ना, और ये है पीछे का, देख सकते हैं कितना भव्य मंदिर है। अंदर जाके आपको दिखाते हैं, हमारे भाई साहब थक गए हैं, लेकिन जहाँ पे देख पा रहे हैं बैठ रहे हैं आकृति बहुत बढ़िया बनाई है, देख रहे हो ये देखिए। ये मंदिर है कि वो मंदिर है, वो आगे से आप जब प्रवेश करेंगे वैसे ही ये आपको दिखेगा, उसके जस्ट पीछे ये मंदिर है। ये भी आपको अंदर चल के दिखाते हैं व्यू, आ जाओ। जूम करके आपको दिखाते हैं, ये जो अंदर आपको गोल्डन कलर का दिख रहा है ये सोना है, प्योर गोल्डन है, दरवाजे भी गोल्डन है सारे, ये सब गोल्ड है। ये देखिए ये सब गोल्ड है, सिल्वर कलर से बना नहीं है, लेकिन गोल्ड है। और भी आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये आकृति आप छोटी छोटी जो देख रहे हैं पूरे मंदिर पे यही सब आकृति बनी हुई है। ये देखिए क्या डिजाइन से बनाया गया एकदम, ये देखिए ये देखिए है, काफ़ी सुंदर लग रहा है ये, क्योंकि मंदिर देख के ही दिल खुश हो गया एकदम। ये देखिए जगह जगह पे मूर्तियाँ, जगह जगह पे छोटी छोटी आकृतियाँ बनी हुई हैं, ऐसे ही नहीं लोग बाहर से आते हैं देखने के लिए। ये देखिए नीचे का दृश्य नीचे का, मन छोड़ नदियों बस अंदर एकदम पुराने टाइप का ही देखिए बना हुआ है, यहाँ पे गेट वगैरह लगा हुआ है। ये लग रहा है, ये कमियां ले लिया, फोटो ले लिया, मैं करता हूँ।
सुनो तो ले लिया, ये यहीं रहा रहेगा ऐसे हुई है जब रहा था ऐसे तो अपने ही आ रहा है। ये देखिए दोस्तों, सारा मिट्टी का घर है एकदम, बिल्कुल लग रहा है कि गांव है ये, भगवान कृष्ण का कमरा है, कोठरी है कमरा, और उसमें जाके मक्खन चोरी करता है। ये देखिए हमारा हटो, ये देखिए यहाँ पे फोटो भी नहीं ले रहे हैं ना, फोटो भी ले रहे। यहाँ पे उनकी खाना रसोई है ये समझ लीजिए, ये वहाँ पुराने जमाने की रसोई सारे ने भगवान के वृंदावन की रसोई बहुत सारे हटो एकदम ये देखिए एकदम लग रहा है हम लोग पुराने उसमें आ गए हैं, भगवान भगवान के एकदम भगवान के टाइम में आ गया यार। गेट वगैरह खुले, ये चक्की है, ये देखिए ये जो पुराने जमाने में नहीं होती थी, धान चावल ओखली ओखली है, वैसे ओखली है। ये बर्तन बिल्कुल वैसे ही चमक रहे हैं, धुल के रखे गए हैं। और भी दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ उनका उनका रूम है श्री कृष्ण जी का, जहाँ पे उनके मम्मी पापा सोते थे, यहाँ पे कृष्ण भगवान। ये देखिए छोटा सा पलंग पड़ा हुआ है, ये जो ये छोटा सा पलंग कृष्ण जी का और वो उनके मम्मी पापा का, वो देख सकते हैं। और रूम तो एकदम क्या ही कहें भाई, आप समझ सकते हैं वीडियो से मन कर रहा है इसी जमाने में चले जाए। अब यहाँ छोड़ देते तो भूल ना जाते, एक रूम था एक कोठरी कोठरी काल कोठरी नहीं कोठरी ये देखिए ये देखिए पालना जब छोटे थे वो नहीं भगवान का अच्छा भगवान का झूला है ये कौन सा भगवान का ये मंदिर मतलब मंदिर है यहाँ पूजा होती है पूजा घर है ये उनका पूजा घर है क्या ही लग रहा है भाई अंदर तो लग रहा ऊपर पत्थर का बना अंदर लग रहा सब कच्चा ही बना बोल के रहने लग रहे तो गाइस ये छबिया मंदिर के हम लोग दर्शन कर चुके हैं और यहाँ और बहुत अच्छा लगा, हम लग ऐसा लग रहा था कि मंदिर आके गलती कर दी बाहर से ऐसा लगा, लेकिन भाई अंदर जो देखा है वीडियो में आप लोग देखिएगा, मतलब आपका भी आने का मन करेगा 100% आने का मन करेगा, क्योंकि पूरी जो भगवान कृष्ण की मतलब जैसे रहते थे जैसे उनका घर था जो भी था पूरा उनका जीवन चरित्र या फिर एक जीवन परिचय हाँ हर चीज एकदम हर चीज डिटेल से दिखाई गई, तो उसमें जो है सारी चीज़ें रियलिटी एकदम दिखाई गई है जैसे था वो रहते थे कहाँ खाते थे कैसे मतलब उनकी लाइफ थी लाइफ स्टाइल सारी एकदम ऐसा लग रहा कि रियल का आप लोग वीडियो में देखेगा वहाँ से उठा के ऐसे रख दिया गया लाइफ आपने वीडियो में देखेगा ऐसा लग रहा वीडियो में देखेगा एकदम उनकी जो पुरानी लाइफ स्टाइल है वो दिखाई गई है। तो भाई लोग बिल्कुल देखेगा ये वीडियो जरूर देखेगा याद रखिए छबिया मंदिर जरूर छबिया मंदिर जरूर आएगा। अयोध्या से सुनिए अयोध्या से 40 किलोमीटर है जिला बस्ती लगता है तो इसमें जरूर आइएगा। और इस मंदिर को आके मतलब हम लोग भरतकुंड नहीं जा पाए उसकी जगह यहाँ आ गए थे, लेकिन सफल हो गया भाई एकदम लाजवाब मंदिर है, कोई
तुलना नहीं होगी, गाली नहीं देगा। अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और भाई अगर हमारे वीडियो पे नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक एंड वॉच जरूर करिएगा। तो आज का ब्लॉग हमारा यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।